हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, आप सबको पता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के लिए और मैनेजर एग्ज़ाम के लिए। देखिए, पहली चीज़ तो बता देता हूँ आपको, पूरा आखिरी तक वीडियो देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, क्या इसका सिलेबस है, रिटन एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, वॉइस टेस्ट क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। देखिए, बहुत ही रेपुटेड एग्ज़ाम होता है ये, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। इट ऑफर्स हैंडसम सैलरी पैकेज ऑफ 11 लाख पर एनम, 11 लाख साल का पैकेज है इनका सैलरी पैकेज और बहुत ही रेपुटेड एग्ज़ाम है ये आपके लिए। अभी पूरा 2 महीना है, 11 सितंबर से 14 सितंबर तक ये एग्ज़ाम होगा। आप अगर चाहते हैं तो 60 डेज़ में बहुत आराम से ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बस मेहनत आपको करनी है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इस बार क्या है, आपका सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है। ये जो हमारा इसका AAI का एग्ज़ाम है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और ज़्यादातर PSU के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती, तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कोशिश करिएगा मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की। और 2017 के बाद से इसमें इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, 2017 के बाद से बंद हो चुका है। उसकी जगह पर हमारा होता है एक वॉइस टेस्ट होता है VT और एक होता है ELPT यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अभी आगे चलते जाइए, मैं आपको एक एक चीज़ बताता जाऊँगा। चलिए देखते हैं आगे, पहले हम समझ लेते हैं हमारा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, दो पार्ट होते हैं, दो सेक्शन में होता है, एक फेज़ वन एग्ज़ाम होता है, दूसरा आपका होता है फेज़ टू एग्ज़ाम। 60 नंबर का फेज़ वन होता है, 60 नंबर का फेज़ टू होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं 120 और टोटल मार्क्स जो होता है वो भी होता है 120। टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो मिलता है 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ये, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये हमारा पेपर होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपका फेज़ वन में क्या होता है, जो आपका टेक्निकल होता है पेपर, उसमें फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आता है। फिज़िक्स आपका 30 मार्क्स का आता है और मैथमेटिक्स भी आपका 30 मार्क्स का आता है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें BSc मांगा जाता है फिज़िक्स और मैथ्स में, और इसके अलावा BE या BTEC की डिग्री हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, 60% मार्क्स हैं अगर आपके ग्रेजुएशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नॉन टेक्निकल जो दूसरा पेपर होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका इंग्लिश आता है 20 नंबर का आता है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स 15 नंबर का आता है, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग जो है वो आपका आता है 15 नंबर का। इसके अलावा करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस ये आपका आता है 10 नंबर का। तो ये हो गया टोटल 10, 15, 25, 15, 40 और 20, 60 यानी कि 60 नंबर तो आपका हो गया इसका नॉन टेक्निकल, और जो 60 नंबर बचा हमारा वो उसमें से 30 नंबर आपका फिज़िक्स हो गया और 30 नंबर हो गया आपका मैथमेटिक्स। अब देखिए, ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की। ये है आपके सामने फिज़िक्स का सिलेबस। देखिए, घबराइए मत, मैंने लास्ट में आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा, कौन सी आपको बुक खरीदनी है, कौन से प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, क्या क्या आपको लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, फिज़िक्स में क्या है, आपका कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिज़िक्स ऑफ गैसियस स्टेट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये हमारा फिज़िक्स का सिलेबस है। इसके बाद आ जाइए मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, सबसे बेस्ट है अगर आप NCERT की बुक्स प्रेफर करते हैं, 11th और 12th की NCERT की बुक्स आप ले सकते हैं फिज़िक्स और मैथ्स की। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, देखिए फिज़िक्स की जो सबसे रेपुटेड बुक है वो है SC वर्मा की, IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, उनकी लिखी हुई बुक है ये।
ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत अच्छी बुक है ये। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स में आप ले सकते हैं आरडी शर्मा। जब आपने ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करी होगी, आईटी की प्रिपरेशन करी होगी, तब शायद आपने यही दो बुक्स प्रेफर करी होंगी। तो ये दो बुक्स आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए जो एनडीए के हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, एनडीए का जो प्रीवियस ईयर आपका जो भी पेपर है, आप ये प्रीवियस ईयर पेपर आप या तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज पिछले जो भी पेपर हुए हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एनडीए के एग्ज़ाम से ही पूछे गए हैं। अब चलिए नॉन टेक्निकल की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश, ये है इंग्लिश का सिलेबस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, सेंटेंस कम्प्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर। नॉन टेक्निकल पार्ट जो है ये लगभग वैसा ही है जैसा आपका बैंक का सिलेबस है, एसएससी का सिलेबस है, लगभग वैसा ही है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम है आपका, नंबर्स एवरेज हो जाएगा आपका, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम, और उसके बाद लास्ट में हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये आ जाता है हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड का, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, पजल टेस्ट, एनालॉगी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, पेपर कटिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस। देखिए कुछ एक दो चैप्टर्स एक्स्ट्रा और ऐड कर लीजिएगा, जैसे आपका सिलॉज्म हो गया और एक इनपुट आउटपुट, बिकॉज इनपुट आउटपुट आजकल ज़्यादातर पूछा जा रहा है। बैंक के एग्ज़ाम में तो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, बट जैसे अभी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनपुट आउटपुट आ गया था, तो किसी को पता ही नहीं था कि कैसे करना है क्या करना है। CI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही आ गया था इनपुट आउटपुट। तो बेटर है आप अगर ये दो चैप्टर भी तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और लास्ट में लाइफ साइंस। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिलेबस के बारे में आप अवेयर होंगे, सिर्फ जो नॉन टेक्निकल पार्ट है फिजिक्स और मैथ्स उसके बारे में नई नॉलेज होगी आपको, तो मैंने आपको बता दिया, ये शायद आपको पता ही होगा। करंट अफेयर्स, पर्सन इन न्यूज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हेडक्वार्टर्स हो गए, उसके हेड हो गए, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। गेम्स एंड इवेंट्स, स्पोर्ट्स, जैसे आपका अभी आईफा चल रहा है, आईफा के बारे में पूछा जा सकता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अभी जैसे आईफा अवार्ड्स आपका दिया गया है, सॉरी मैं आईफा बोल रहा हूँ, फीफा चल रहा है आपका, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अवार्ड्स में आपका आईफा अवार्ड्स अभी अनाउंस हुआ है रिसेंटली, ये पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, किसकी ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बुक्स रिलीज़ हुई हैं 2018 में, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वेबसाइट है prashantchaturvedi.com, यहाँ पर जाइए, ऊपर मेन्यू में आपको करंट अफेयर्स का एक पार्ट दिख जाएगा, वहाँ पर PDF जनवरी से लेकर जून तक सब कुछ अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक GK सेक्शन पूरा एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा आपका, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक अफेयर्स और नेशनल न्यूज़ या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ भी आ सकता है। अब देखिए ये तो बात थी हमारे रिटन टेस्ट की, अब रिटन टेस्ट के बाद क्या होगा। रिटन टेस्ट मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, एग्ज़ाम का सिलेबस बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं कल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास जो प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं वो हैं 2014 से लेके 2016 तक के, मैं वो डाउनलोड कर दूंगा, आप वो अपलोड कर लीजिएगा। बुक्स भी मैं आपको सब बता दूंगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैं बुक्स का भी जो भी लिंक होगा आपको अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो मैं वो भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। अब देखिए रिटन टेस्ट के बाद होता है, एक तो आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा होता है वॉइस टेस्ट। सबसे जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है वॉइस टेस्ट। वॉइस टेस्ट में होता क्या है, देखिए आपको सबको पता होगा जो आपका ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपको पता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है, वो लोग कैसे बोलते हैं, वो लोग वॉइस टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। अब ये आपके सामने है, देखिए रेडियो टेलीफोनी होती है, ये हमारा जो ABCDEF जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो वो लोग यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, A फॉर अल्फ़ा, B फॉर ब्रावो, C फॉर चार्ली,
डी फॉर डेल्टा, ई फॉर इको, ऐसे लेके पूरा जेड तक है। और नंबर्स जो हैं ज़ीरो को कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। कल मैं पूरी डिटेल इसकी अपलोड करूंगा वेबसाइट पर, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उसके साथ में ये आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पर दूंगा। आप अगर चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा, और इसको जैसे ए टू जेड ये अल्फ़ाबेट हैं, आप इसको जो है लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट के बाद वॉइस टेस्ट होगा, वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा। तो बेटर है कि आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए वो लोग कैसे यूज़ करते हैं, जो एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, देखिए आपके सामने एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वॉइस टेस्ट सैम्पल वन, एयर इंडिया 211 क्लियर्ड फॉर वॉर ILS अप्रोच रनवे 08 रिपोर्ट एस्टेब्लिश्ड, स्पाइस जेट 742 ट्रैफिक 12 o'clock 20 miles क्लाइंबिंग टू फ्लाइट लेवल 60, जेट एयरवेज 119er कन्फर्म रेडी फॉर पुश बैक। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको वहाँ पर पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला है उस वॉइस टेस्ट का जो मैंने स्क्रीनशॉट बोला है उसका आप प्रिंट ले लीजिएगा, और जो ए से जेड अल्फ़ाबेट हैं बिल्कुल वैसे ही उसको याद कर लीजिएगा। ये देख लीजिए वॉइस टेस्ट सैम्पल टू, गो एयर 116 रनवे 08 क्लियर फॉर टेक ऑफ, विंड 120 degrees 04 knots, एयर इंडिया 227 टर्न राइट हेडिंग 140 एंड पासिंग फ्लाइट लेवल 230 रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन। तो ये होता है हमारा वॉइस टेस्ट, जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है वो यही लैंग्वेज यूज़ करता है, इसलिए ये बेटर है, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसका प्रिंट ले लेते हैं। मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा वो सारी चीज़ें, आप उसका प्रिंट ले लीजिए और वैसे ही उसको याद करिए। अब आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें देखिए आपका क्या होता है, कोई भी एक आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन दे दी गई कि आपको उसके बारे में इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपकी सिर्फ जो आपका कम्युनिकेशन है, आप स्टैमर तो नहीं करते हैं, आपको हेजिटेशन तो नहीं है, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन वहाँ पर चेक किया जाता है, कितनी तेज और कितने अच्छे से आप बोल सकते हैं, स्टैमरिंग नहीं हो रही है, हेजिटेशन नहीं है। और इसमें जो होता है, इसमें आपका 4 level 6/4 मतलब कि 6 level का होता है ये, इसमें से आपको 4 level तक स्कोर करना होता है, मतलब कि अगर आपका 6 में से 4 marks आ गए तो आप ये एग्ज़ाम मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब ये आप पास हो गए हैं। ये तो थी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की बात। और अगर कभी कभी क्या होता है कि ये लोग ट्रेनिंग में भी आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी में बिल्कुल बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करें। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है, तो जिनका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद उनको स्पेशली 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंस होकर पेपर दीजिए, सब अच्छा होगा। इसके बाद क्या है, प्रीवियस पेपर्स। अब ये प्रीवियस पेपर्स मेरे पास, मैंने आपको बताया है, 2014 से लेके 2016 तक के अवेलेबल हैं। ये मैं कल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, वेबसाइट आपको पता ही है prashantchaturvedi.com। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं कल अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स SC वर्मा लेनी है आपको, मैथमेटिक्स RD शर्मा, इसके साथ साथ NDA के प्रीवियस ईयर के आपको पेपर भी लगाने हैं। रीजनिंग में आप RS अग्रवाल, BS सिजवाली, आशीष पांडे कोई भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में महेश मिश्रा या फिर RS अग्रवाल। इंग्लिश में आप SP बख्शी ले सकते हैं या फिर SSC CGL के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम इसमें SSC CGL के ही पिछले जो आए हुए होते हैं क्वेश्चन, वही इसमें आते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं या फिर ल्यूसेंट ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए या फिर स्टैटिक GK के लिए आप मेरी वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं prashantchaturvedi.com। यहाँ पर सारा मैटर अवेलेबल है, एकदम लेटेस्ट और एकदम अपडेटेड। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं आपको यहाँ पर, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।